दो दिन एक खूबसूरत आइलैंड और यादें जो हमेशा के लिए रहेंगी। शहीद द्वीप की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। ये है अंडमान का सबसे छोटा आइलैंड, जिसे पहले नील आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। शहीद द्वीप पर आकर समझ आया कि खुद को फिर से पाने के लिए कभी कभी रुकना जरूरी है। यहाँ की खूबसूरती ने सिखाया कि असली सुकून तो छोटे छोटे पलों में ही छुपे होते हैं। जेटी से बाहर आते ही बाइक रेंट पे मिल जाती है। इस छोटे से आइलैंड की बात करें तो 14 स्क्वायर किलोमीटर फैले इस आइलैंड में 5 जगह है घूमने के लिए, जिनका नाम रामायण के कैरेक्टर पे रखा गया है, राम, लक्ष्मण, भरत और सीता, जिसमें सीतापुर बीच सनराइज पॉइंट है और लक्ष्मणपुर बीच सनसेट पॉइंट और भरतपुर बीच जहाँ सारी वाटर एक्टिविटी होती है। बाइक लेकर हम अपने होटल पहुँचे और थोड़ी देर आराम करने के बाद हमारी पहली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नेचुरल ब्रिज। हमने गाइड लिया ताकि हम इसे और अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। तो इसको ऊपर से भी चलने के बाद लेफ्ट साइड नेचुरल ब्रिज जगह घूमने के लिए नॉर्थ अंडमान डिगलीपुर रॉस और स्मिथ आइलैंड। हाँ वो है, लेकिन वो फिर आदिवासी के अधिक देख सकते मराठन। ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, कोई ब्रिज नहीं है, लोगों ने नाम दिया था। एक्चुअली 1970 में सर सेटलमेंट जिसको दिया था इधर ना बंगाली 85%। नेचुरल ब्रिज एक ऐसी जगह है जहाँ बिना डाइव करे भी आप समंदर की दुनिया का एक हिस्सा देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको नीमो फिश देखनी है तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। इसके बाद हमने पूरा नील आइलैंड को एक्सप्लोर किया। सबसे पहले पहुंचे सीतापुर बीच, जो यहाँ का सनराइज पॉइंट है, सुबह की ताजगी और समुद्र की आवाज़। फिर हम रामनगर बीच गए। ये जगह बहुत ही शांत और खूबसूरत थी। यहाँ आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, बस आप और समंदर की लहरें। अगली सुबह वो थी जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, स्कूबा डाइविंग का। अंडमान का सबसे बेहतरीन स्कूबा यही होता है, क्योंकि नील आइलैंड के पानी जितना साफ और कहीं नहीं मिलता। पानी के अंदर एक पूरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी। हम तैयार थे, थोड़ी घबराहट थी, पर साथ ही वो एक्साइटमेंट भी जो हमें और आगे ले जा रही थी। Thank you.
कुछ जगह देखने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। लक्ष्मणपुर बीच पर कदम रखते ही महसूस हुआ कि कुछ जगह हमारे अंदर शांति भर देती है और यहाँ का सनसेट जैसे समंदर हमें गले लगा रहा हो। उस पल में सारी उलझने जैसे शांत हो जाती है, बस रह जाता है एक प्यारा सा सुकून। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।